जुड़ता यही है, करता रहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है. ये थैंक्स फॉर कॉलिंग इट एन इनोवेटिव शो, लेकिन ये बहुत इनोवेटिव है नहीं, ये भारत का शो है. और भारत का शो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें हम सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो हमारे हिस्ट्री में लिखी गई हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई हैं, जो भारत की सभ्यता है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नई कहानी बना रहे हैं या हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं. एज इट इज़ जो अपने यहाँ हुआ था, जो इतिहास में हुआ है, वो बस उसका वर्णन हम लोगों के सामने ला रहे हैं. एंड इट इज़ एन अमेजिंग थिंग, यू नो, हम सब के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारा जो एक भारतीय कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, वो इतनी ज़्यादा रिच है, इतनी महान है. लेकिन सब गलत हिस्ट्री लिखी हुई है हमारी, हमको पता नहीं क्यों, लेकिन एक अपोलोजेटिक जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा था. तो कहीं पे हम क्या थे, हम कितने महान थे, हमारे लोगों ने कितने अच्छे काम किए हैं और आज तक कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे लगा कि लोगों को बताना चाहिए. कहीं पे पॉजिटिव डायलॉग होना चाहिए. बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी, है चीज़ें बहुत 100% सही नहीं है हमारे देश में, हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन क्या बुराई के ही बारे में हमेशा बात होनी चाहिए? अच्छाई की बात कौन करेगा? और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको लोगों के सामने लाना चाहिए. इंस्पिरेशन तो उनको अच्छे कामों से ही मिलती है, बुरे कामों से तो बुरे की इंस्पिरेशन मिलती है. सो हमने सोचा कि एक अच्छा पॉजिटिव सीरियल बनाते हैं. और भारत की बात का जन्म हुआ और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हमको, कह रहे हैं कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, वी आर रेडी टू फाइनेंस यू, व्हिच इज सच अ स्वीट थिंग, यू नो, ऑन पीपल्स बिहाफ. बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसे इस आइडिया का, यू नो, जन्म हुआ और कैसे आया दिमाग? नहीं, पल्लवी जी ने आपको बताया ही कि आइडिया था कि ये कैसे पॉजिटिविटी लेके आए. क्या है कि जो आने वाली जो जनरेशन है, होता क्या है मीडिया में हर समय क्या गलत है क्या गलत है, अगर आप किसी बच्चे को भी हर समय ये उसकी कमजोरी बताते रहें तो बच्चा कमजोर ही बन के खड़ा हो जाएगा. और कई बार हम लोग पर्सपेक्टिव में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं. तो ये जो शो है, बेसिकली आइडिया ये था कि हम क्या थे, हम कहाँ हैं और यहाँ से हम कहाँ जाना चाह रहे हैं. तो जब आप पर्सपेक्टिव में अपनी ज़िंदगी को भी, हम भी ज़िंदगी जीते हैं तो हम कई बार लॉस्ट हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमें उसी वक्त का वो मोमेंट दिखता है. लेकिन अगर हम जब पुराने एल्बम्स खोलते हैं, अपनी पुरानी फाइल्स देखते हैं, डायरी खोलते हैं, एंड वी रियलाइज, ओ माय गॉड, वी हैड स्पेंड सच वंडरफुल टाइम, और उस पर हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं. तो पूरा आइडिया ये था कि लोगों को किस तरह से जो कंट्री की जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव दिखाने वाले तो लाखों लोग हैं, पॉजिटिव दिखाने वाले आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं. तो आवर आइडिया वॉज, जैसे एक बच्चा है उसको बाहर जाता है स्कूल में, सब जगह लोग अगर उसको नेगेटिव बातें करें, घर आता है तो उसकी एक माँ तो है, उसके एक बाप तो हैं, कुछ भाई बहन तो हैं जो अच्छी बात करते हैं उससे. तो वी सेड वी कैन प्ले दैट रोल, और इसलिए एक पॉजिटिव शो इंडिया की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में है, वीकनेसेस के बारे में नहीं. सर, अगर बात करें शो की, तो टेलीविजन शो की बजाय आप बीइंग अ डायरेक्टर, आप एक मूवी के साथ भी आ सकते थे, तो टेलीविजन शो को क्यों चूज किया? मैं बताऊं उसका जवाब? सॉरी, विवेक का टेक इसमें अलग हो सकता है, लेकिन मेरी वजह ये थी कि हम जब भारत की बात करते हैं तो वो 3 घंटे में कंसाइज नहीं हो सकती वो बात, उसके लिए हमें ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है. तो इसलिए जब एक सीरियल दिखाते हैं हम 26 एपिसोड में, आधे आधे घंटे के एपिसोड्स, तो हम लोगों को 13-14 घंटे मिलते हैं टू शो व्हाट यू नो वी हैव रिसर्च्ड. इनफैक्ट वो भी कम पड़ रहे हैं. हम लोग तो चाहते थे कि हमको कम से कम 1 घंटे का एपिसोड मिले, 26 घंटे तो मिले कम से कम. लेकिन इतना, मतलब इतनी महान संस्कृति रही है हमारी, और हमारा कल्चर, और यू नो इनोवेशंस जो रहे हैं हमारे यहाँ पे, जिसका श्रेय कभी किसी को मिला नहीं. तो ये सब शुरू से लेके अभी तक और यहाँ से फ्यूचर जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब एक छोटे 2-2.5 घंटे की मूवी में समाना बहुत मुश्किल हो जाता, और विस्तार से हम लोग कह नहीं पाते. तो इसलिए मुझे ऐसा, मैंने इसलिए सीरियल के बारे में सोचा, वॉट एवर विवेक्स टेक इज ऑन इट. एग्जैक्टली द सेम रीजन. और मूवी क्या है, मूवी आती है तो लोग 2 दिन में उसे हिट फ्लॉप के बारे में बांध देते हैं, और दूसरा मूवी आज की तारीख में
तीन चार दिन चलती है, उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है फिर. पर इसका ये है कि दिस विल स्टे. आज से 15 साल बाद भी आप चाहें तो इसको देख सकते हैं. इट विल बी अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एवरीवेयर. और सीरियलाइज छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आपको ज्यादा देर भी नहीं बैठना है. थोड़ी देर देखिए फिर कर फिर देख लीजिएगा. ओके, काफी अलग अलग जगहों पर जाकर और यू नो रिसर्च करना या फिर लोगों से अलग अलग उनके कल्चर्स के बारे में जानना, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे कि मतलब कैसा रहा आप लोगों का टूर, क्या कुछ नया देखने के लिए मिला इन सब शूट्स के दौरान. इस सीरियल के रिसर्च का जो काम है वो तकरीबन 6 महीने पहले हमने शुरू किया और फिर भी वक्त कम पड़ा मतलब रिसर्च करने में. लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छी बहुत सक्षम रिसर्च टीम है. वी आर वेरी ग्लैड दैट यू नो वी हैव अ टीम लाइक दिस. इस शो का जो पूरा डिज़ाइन हमने किया था वो नॉर्मली आप देखते हैं जब भी एंकर बेस्ड शोज होते हैं, कोई भी शो आप देख लीजिए वो सब स्टूडियो बेस्ड होते हैं. तो हमने कहा जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम स्टूडियो में क्यों बैठे, हम भारत दिखाते हैं ना लोगों को. तो इसलिए हमने सोचा कि हम भारत भ्रमण करेंगे, 26 एपिसोड 26 अलग अलग लोकेशंस पे शूट करेंगे. और काफ़ी मैं घूमी हूँ हमारे देश में. ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ फॉरेन लोकेशंस पे ही जाते रहे. देश में भी काफ़ी मेरे टूर्स हुए हैं. लेकिन जिस तरह से इस बार हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं अपने भारत को, वो बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस है. जैसे हम अभी नॉर्थ ईस्ट गए थे. नॉर्थ ईस्ट में गई नहीं थी अभी तक क्योंकि हमेशा से थोड़ा कटा रहा है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, वहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं थे, रोड्स अच्छे नहीं थे. बट नॉर्थ ईस्ट वॉज अ रेवोल्यूशन. मतलब इतनी बढ़िया डेवलप हो रही है वो सारी की सारी स्टेट्स वहाँ, और इतनी खूबसूरती है नॉर्थ ईस्ट में कि मैं तो सबको कहूँगी कि अगर अपना अगला समर वेकेशन अगर प्लान करना है तो आप ज़रूर मेघालय जाएं, मणिपुर जाएं, असम जाएं, अरुणाचल जाएं. इतनी खूबसूरत प्यारी जगह है वो. आना जाना अभी भी थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे वो भी सब ठीक हो रहा है. तो इसलिए हम लोग घूम रहे हैं काफ़ी और ऐसे लग रहा है जैसे आधा वक्त तो हम सूटकेस सही कपड़े निकाल निकाल के हम लोग पहन रहे हैं, हम भूल ही गए अलमारियां क्या होती है. ओके सर, और साहब से जानना चाहेंगे जब भी हम बात करते हैं हमारे हिस्ट्री की तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को जबरदस्ती उस चीज में फ्रेम में ला दिया जाता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको. नहीं देखिए, हर तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं. आज अगर कोई ये बोले कि भाई a man has been bitten by a dog तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर कोई बोले a man has bitten a dog तो एक न्यूज बन जाती है. तो आप देखिए खुराफाती लोग हमेशा होते हैं. मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे बहुत बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है शायद ताजुल मस्जिद. तो वहाँ पे बड़ा एक फेमस किस्सा था. कहते थे कि अगर वहाँ किसी लड़के को फेमस होना है तो जब नमाज चल रही है वहाँ पे जुम्मे की तो जाके मौलवी साहब की टोपी खींच दो और भाग जाओ, तो एक सेकंड में पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि ये सबसे लड़के का नाम सबको पता चल जाएगा. तो कई बार तो ये मिस्चीवियस लोग होते हैं जो हर चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे, हर चीज़ को नेगेटिविटी की तरह से दिखाएंगे. और आप ये देखिए सबसे बड़ी बात, आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो चाहे आदमी जो भी चाहे वो बोल सकता है, जिसको जो मन में आए वो बोल सकता है, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे पढ़ सकता है, जो नौकरी चाहे वो कर सकता है, कोई ऐसी पाबंदी किसी भी चीज़ में नहीं है. इतनी लैंग्वेजेस की कंट्री को, इतनी फेथ, डिफरेंट फेथ्स, और फेथ भी ऐसे नहीं कि छोटे डिफरेंसेस हो, यानी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग लेवल के फेथ इंडिया में अलग अलग तरह के हैं. उन सबके बावजूद हम लोग आज वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट यूनाइटेड कंट्रीज हैं. यहाँ बैठ के ऐसा लगता है कि नहीं दुनिया, लेकिन अगर बाहर जाए तो आपको समझ में आएगा इतना कॉन्फ्लिक्ट सारी दुनिया में है. दैट वे इंडिया में जब आप कहीं भी जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, कितना प्यार करते हैं लोग. रात को आपकी गाड़ी खराब हो जाए अगर कहीं पे, तो आपको चार लोग मदद करने आ जाएंगे. आप किसी ढाबे पे चले गए, इतने प्यार से आपको खाना ना खिलाएंगे. सारे वर्ल्ड में अमेरिका वगैरह के लोग बात करते हैं जो ब्लैक्स के एरिया, वहां से निकलते नहीं है लोग डर के मारे. इंडिया में आज ये डर तो नहीं है किसी को कहीं. तो वी आर अ ग्रेट कंट्री. यस, प्रॉब्लम्स अपनी जगह है. तो नेगेटिविटी से आपको ही दूर रहना चाहिए. दूसरी बात, अगर आप जानना चाहते हैं हाउ वंडरफुल दिस कंट्री इज, सबसे पहला काम करिए अपने घर से न्यूज़पेपर और टेलीविजन न्यूज चैनल्स बंद कर दीजिए एंड द कंट्री सडनली बिकम्स ब्यूटीफुल. ओके, पॉलिटिक्स ने भी काफी मतलब अपना बड़ा योगदान दिया है, उसका भी एक पार्ट रहा है हमारी हिस्ट्री को लेके अगर हम जाने तो उस चीज को कितना देखा है आप लोगों ने अपने शो में या फिर उसको साइड में रखा है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए. अब
पॉलिटिक्स हमारी हिस्ट्री का तो मेन स्टे रहा है, क्योंकि जो भी कहीं भी हम पीछे जाएं, हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो जो एक वो रहन सहन का सिस्टम था वहाँ पे, वो गवर्नेंस का सिस्टम था. प्रॉपर गवर्नेंस के लिए एक तरह की लाइफस्टाइल वहाँ पे उन्होंने नियुक्त की थी. उसके बाद चाणक्य के समय पे आते हैं, तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य का है, वो तो उससे बड़ा पॉलिटिकल ग्रंथ दूसरा कोई है ही नहीं. तो हमारी हिस्ट्री पूरी जो है वो पॉलिटिकल थिंकिंग पे ही बेस्ड है, बट इट्स करेक्ट पॉलिटिकल थिंकिंग. और पॉलिटिक्स इस शब्द के जो मायने आज की तारीख में बदल गए हैं, कि पॉलिटिक्स का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड इट्स लाइक यू नो स्वीपिंग द कार्पेट फ्रॉम अंडर समवन्स फीट. ये पॉलिटिक्स का मतलब उन दिनों था नहीं, उसका मतलब गवर्नेंस से था. और ये कब परिभाषा बदली पॉलिटिक्स की, और कब उसका यू नो स्वरूप बदलते बदलते आज जो हमको दिख रहा है, कि मतलब बहुत ही गंदे लेवल पे, सिर्फ हमारे भारत में नहीं, तो वर्ल्ड ओवर आप अमेरिका में भी देख लीजिए क्या हो रहा है. बहुत विभत्स रूप ले लिया है एक पॉलिटिक्स ने. और अगर आप पॉलिटिशियन है तो मतलब आप अपने सर पे कलंक लेके घूम रहे हैं, ऐसी ही धारणा हो गई है आज पॉलिटिशियंस को लेके. लेकिन ऐसा था नहीं एक वक्त पे. तो इसलिए हमारा जो भी रिसर्च रहा है वो सोशियो पॉलिटिकल जो टर्म है, ये बहुत करेक्ट अप्लाई होती है हमारे हिस्ट्री को, बिकॉज पॉलिटिक्स एंड सोशल बिहेवियर ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. ये दोनों अलग नहीं हो सकते थे एक दूसरे से. आज हम देखते हैं बहुत ही अलग हो गए हैं, क्योंकि हमको लगता है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी यू नो पॉलिटिकल अवेयरनेस दो अलग चीज़ें हैं जो थी नहीं एक वक्त में. सो दिस इज़ वॉट वी फाउंड थ्रू आर हिस्ट्री. नहीं, पॉलिटिक्स देखिए ऐसा है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दो ऐसे पिलर्स हैं जिसके कारण सोसाइटी बंधी रहती है. लाइफ को बिना रिलीजन और पॉलिटिक्स के इमेजिन अगर आप करेंगी, इन दो चीज़ों को हटा दें तो पूरी की पूरी सोसाइटीज और वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा. गाली देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है. दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स जो है उसका सिर्फ हमारी लाइफ में इतनी ही इम्पोर्टेंस है कि वो पॉलिसीज क्या बनाते हैं. पॉलिटिशियन जो गवर्नमेंट है वो क्या पॉलिसी बनाती है कि भाई सारे के सारे रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाएंगे. इससे आपकी लाइफ इफेक्ट होती है नहीं होती है, उसी से आपका रिलेशन है. लेकिन होता क्या है कि गॉसिप जो है पॉलिटिक्स के अराउंड वो 90% स्पेस ले लेती है, और पॉलिटिक्स तो 10% है हमारी जिंदगी में. आम आदमी का आपका सुबह से शाम तक बताइए पॉलिटिक्स से क्या वास्ता पड़ा, कुछ नहीं. लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स व्हेन यू ओपन सोशल मीडिया आप पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, तो आपको लगेगा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप भी आउटरेज होने लगेंगी. ये जैसे शादियों में नहीं, इंडियन शादियों में कुछ होते हैं जैसे ताऊ जी या बुआ जी या पड़ोस वाले चाचा जी जो सिर्फ गॉसिप करते रहते हैं और लोगों में लड़ाई करवाते रहते हैं. तो ये लड़ाई करवाने का काम भी आप देखिए पॉलिटिशियंस नहीं करते हैं, ये काम करते हैं गॉसिप मॉन्गरर्स बेसिकली. वो है आज की तारीख में वो रोल प्ले करता है पॉलिटिकल मीडिया, क्योंकि वो जब तक इस तरह की आपस में लड़वाने वाली बात नहीं होगी. तो जो पॉलिटिक्स है उसका पॉजिटिव साइड क्या है, ये पल्लवी जो है इनके शो में आप देखिए जो पॉजिटिव साइड है पॉलिटिक्स का, कैसे इंडियन पॉलिटिक्स के कारण हमारी सोसाइटी इवॉल्व भी तो हुई है. अगर चाणक्य की नीतियां नहीं होती तो आज हम कैसे इवॉल्व होते, अगर गांधी की वो नीतियां नहीं होती तो आज हम कैसे इवॉल्व होते, तो कितने लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता रहा हमारी सोसाइटी के अंदर. तो पॉलिटिक्स इज ऑल्सो गुड थिंग, रिलीजन इज ऑल्सो गुड थिंग. लेकिन चूंकि मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रॉड रिलीजियस गुरुज को भी देता है, नहीं फ्रॉड लोग आ जाते हैं कई लोग जो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, उनको भी प्लेटफॉर्म दे देता है, इस कारण ऐसा लगने लगता है ये दोनों इंस्टीट्यूशंस गलत हैं. पर दोनों बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग सब जगह पे हैं. लेकिन अगर हम फिल्म मेकिंग या टीवी सीरियल्स किसी की भी बात करें तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ कंटेंट दिखाने का जो एक फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं हम लूज कर चुके हैं. क्योंकि अभी हाल ही में मणिकर्णिका आ रही है, झांसी की रानी, उन पर फिल्म बेस्ड है, लेकिन अभी